सरकार के 3 कृषि अध्यादेशों के विरोध में आज विभिन्न किसान संगठनों और आढ़तियों द्वारा प्रदर्शन किए गए। ये प्रदर्शन लगातार 19 सितंबर तक जारी रहेंगे। अगर सरकार ने ये अध्यादेश वापस नहीं लिए तो 20 सितंबर को डीसी कार्यालयों का घेराव होगा। रोहतक से हमारे संवाददाता रिंकू परमार की रिपोर्ट। थोड़ा सा जी, थोड़ा सामने गुरु जी बताइए, आज प्रदर्शन किया है, आज की यूनियन के साथ यहाँ पर मौजूद है, तो क्या रणनीति तैयार की और क्या आगे की? भाई हमारी रणनीति ये है, हमारे सभी किसान मजदूर आढ़ती व्यापारी भाई सारे संगठन हमारे इकट्ठे हो गए हैं और आज हमने ये प्रदर्शन किया है। हम इस पर धरने पर बैठेंगे। यहाँ पे अगर ये अध्यादेश 3 और 4 भी जाएगा, सरकार ने वापस नहीं लिए, तो इतना बड़ा आंदोलन करेंगे कि पूरे देश में सरकार रह जाएगी। और जो हमारे वहाँ पीपड़ी में हमारे को सुबह सुबह अरेस्ट कर लिया गया था और जो वह लाठीचार्ज हुआ है उसकी हम भाई निंदा करता हूँ मैं। ईव 2-20 तारीख तक या तो ये मुकदमे वापस ले ले ना, और आगे के लिए तैयार हो जाए सरकार, हम खुले सर को लगा लिए भाई। किस तरह का आंदोलन करूँगा? आंदोलन सारे लड़ाई होंगे भाई, सरकार लठमार इधर लठ भी खावाएंगे और जो वहाँ भी देर सीखेंगे फिर भाई, हम जमींदार परिवार में पैदा हो रहे हैं भाई, ये बोलते हो जाता भाई। अभी जो है आंदोलन किया है यहाँ पर, क्या धरने पर बैठे हैं? अभी हमारे फ्री जी है बड़े, वो अभी संदेशा दे देंगे, धरने के धरने पर बैठेंगे, और भी गाँव गाँव में जाना है, इनने भी जाना है, जैसा भी आदेश देंगे हम वो मंजूर करेंगे। आपने क्या की 20 तारीख को जो है हम डीसी का घेराव करेंगे, 2 अक्टूबर को दिल्ली में बहुत बड़ा पूरे देश का किसान होगा लाल बहादुर शास्त्री। क्या किसी को कोई ज्ञापन वगैरह की कॉपी सौंपेंगे? कोई ज्ञापन नहीं देंगे भाई, जमींदार बार की हो रही है, क्या ऊपर नहीं। आप इतना बड़ा आंदोलन क्यों करने जा रहे हैं, क्या कारण है? मार दिया जमींदार है, व्यापारी आढ़ती भाई मजदूर भाई रोटी खाने के लल्ले पड़ रहे हैं, बड़कंद के ऊपर पड़ा होगा मेरे भाई, लोग रोटी खाने के भूखे बैठ गए, आज भी हमारा है, इतनी बड़ी जाती हो रही हमारे साथ। थैंक यू सर।